प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए ही स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है, ये कहना है केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। उन्होंने कहा पूरे देश में 1.7 मिलियन टन कचरा प्रतिदिन निकल रहा है, जिसका निस्तारण सबसे बड़ी चुनौती है। प्रतिदिन 2900 मैट्रिक टन प्लास्टिक कचरे के रूप में निकलता है, जिसको रिसाइकल करना भी सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि 2030 तक हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 100% अमल कर लेंगे। इस मौके पर जापान के पर्यावरण मंत्री ने भी विश्व में बढ़ती कचरे की समस्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। देखिए 3R को लेकर जो हम कहना चाहते थे हमने ऑलरेडी कह दिया है। ये इतनी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, 8वीं है 3R कॉन्फ्रेंस। इसमें हमारा जो स्वच्छता का जो प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी 2014 के अक्टूबर से, उसका तीसरा सर्वेक्षण हुआ है। पहले सर्वेक्षण में 74 शहरों कवर हुए, अगली वाली में कोई 400 हुए, इस बार 4000 से अधिक जो शहर हैं उसमें सर्वेक्षण में कवर हुए हैं। एक ये जन आंदोलन बन गया है। और यहाँ पे आप एग्जीबिशन देखिए, उन्होंने जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, टायर्स और बाकी चीज़ें जो वेस्ट से और रिसाइकल मटेरियल से बनाई गई हैं, इसका मैं समझता हूँ कि हमें बहुत इस पर गर्व होना चाहिए। हमें इसको और पब्लिसाइज करना चाहिए। ये जो कारीगर हैं जिन्होंने ये काम किया है, उनके काम पे आप लोग फोकस करिए, आप मंत्रियों के काम के ज़्यादा उस काम पे ज़्यादा फोकस करिए।